डिजिटल क्रांति ने हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाए हैं। हम ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, कनेक्ट करते हैं और काम करते हैं। बिग टेक कंपनीज हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन गए हैं। उनके प्लेटफॉर्म्स हमारे डिजिटल इंटरैक्शंस पर राज करते हैं। इस इमेंस पावर ने फेयर कॉम्पिटिशन और यूजर प्रोटेक्शन के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। दुनिया भर की सरकारें इन डिजिटल जायंट्स को रेगुलेट करने के तरीके ढूंढ रही हैं। भारत का ड्राफ्ट डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल इस दिशा में एक बोल्ड स्टेप है। इसका उद्देश्य एंटी कम्पेटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकना और डिजिटल मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करना है। ये बिल डिजिटल इकोनॉमी द्वारा पेश की जाने वाली यूनिक चैलेंजेस का समाधान करना चाहता है। ट्रेडिशनल एंटी ट्रस्ट लॉज डिजिटल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी से निपटने के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। डिजिटल मार्केट्स तेजी से विकसित होते हैं और कंपनीज जल्दी से डोमिनेंस हासिल कर सकती हैं। भारत का प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इन चैलेंजेस को प्रोएक्टिवली एंटीसिपेट और एड्रेस करना चाहता है। ये सिस्टेमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज और प्रेडिक्टिव रेगुलेशन जैसे नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करता है। ये टूल्स सिग्निफिकेंट मार्केट पावर वाली कंपनीज को एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर में शामिल होने से पहले आइडेंटिफाई और रेगुलेट करना चाहते हैं। ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल डिजिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कई मेजर्स इंट्रोड्यूस करता है। इसकी की फीचर्स में से एक है सिस्टेमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज SDIs का डिजिग्नेशन। ये ऐसी कंपनीज हैं जिनका डिजिटल इकोसिस्टम में कंपटीशन पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पीडीडीता है। बिल SDIs के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस प्रपोज करता है, जिसमें सेल्फ प्रेफरेंसिंग पर रिस्ट्रिक्शंस, डेटा शेयरिंग रिक्वायरमेंट्स और इंटरऑपरेबिलिटी मैंडेट्स शामिल हैं। ये मेजर्स SDIs को अपने मार्केट पावर का गलत इस्तेमाल करके कंपटीशन को स्टाइफल करने से रोकने का लक्ष्य रखते हैं। बिल का एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है प्रिडिक्टिव रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल एंटी ट्रस्ट लॉज अक्सर एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर होने के बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। बिल में प्रपोज किया गया प्रिडिक्टिव रेगुलेशन ऐसे बिहेवियर को एंटीसिपेट और प्रिवेंट करना चाहता है। ये डेजिग्नेटेड रेगुलेटर को डिजिटल कंपनीज द्वारा पोज किए जाने वाले पोटेंशियल एंटी कंपेटिटिव रिस्क का आंकलन करने का अधिकार देता है। इसके बाद रेगुलेटर इन रिस्क को मटेरियलाइज होने से पहले मिटिगेट करने के लिए प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले सकता है। बिल नॉन कंप्लायंस के लिए भारी पेनल्टीज भी प्रपोज करता है। रेगुलेशंस का उल्लंघन करते हुए पाई जाने वाली कंपनीज को उनके ग्लोबल टर्नओवर के 10% तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस प्रोविजन का उद्देश्य एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि कंपनीज नए रूल्स का पालन करें। बिल के प्रोविजंस SDIs से आगे एक्सटेंड होते हैं। ये डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल स्पेस में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस के प्रमोशन जैसे इश्यूज को भी एड्रेस करता है। ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल भारत में डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट है। ये नॉवल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करता है और डिजिटल मार्केटप्लेस को ओवरसी करने के लिए एक रेगुलेटर को एम्पावर करता है। बिल के प्रोविजंस डिजिटल एज द्वारा पेश की जाने वाली स्पेसिफिक चैलेंजेस, जिसमें मार्केट्स का रैपिड एवोल्यूशन और कुछ लार्ज कंपनीज के हाथों में पावर का कॉन्सेंट्रेशन शामिल है, को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिग टेक कंपनीज ने ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल के बारे में स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए हैं। उनका तर्क है कि बिल की ब्रॉड डेफिनेशंस और स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस इनोवेशन को स्टाइफल कर सकते हैं और इंडियन डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को हिंडर कर सकते हैं। उनकी प्राइमरी कंसर्न्स में से एक है SDIs के डेजिग्नेशन के आसपास एम्बिग्युइटी। SDIs को आइडेंटिफाई करने के क्राइटेरिया क्लियरली डिफाइंड नहीं है, जिससे आर्बिट्ररी डेजिग्नेशंस और रेगुलेटरी अनसर्टेंटी हो सकती है। ये अनसर्टेंटी इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर सकती है और डिजिटल सेक्टर के ग्रोथ को हैम्पर कर सकती है। बिग टेक कंपनीज प्रेडिक्टिव रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट पर भी आपत्ति जताती हैं। उनका तर्क है कि फ्यूचर एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना इनहेरेंटली डिफिकल्ट है और ओवरली रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लीड कर सकता है। उन्हें डर है कि ऐसे मेजर्स इनोवेशन को स्टाइफल कर सकते हैं और कंपनीज को न्यू बिजनेस मॉडल्स एक्सप्लोर करने से रोक सकते हैं। उनका दावा है कि बिल में प्रपोज किए गए हैवी पेनल्टीज इन्वेस्टमेंट को और हतोत्साहित कर सकते हैं और डिजिटल कंपनीज के बीच फियर का माहौल बना सकते हैं। एक और मेजर कंसर्न है इंक्रीज्ड कंप्लायंस कॉस्ट्स की पोटेंशियल।
बिग टेक कंपनीज का तर्क है कि बिल के एक्सटेंसिव रेगुलेशंस का पालन करने के लिए सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज और मैन पावर की आवश्यकता होगी। उनका कहना है कि ये कॉस्ट कंज्यूमर्स पर हायर प्राइसेस या रिड्यूस्ड सर्विसेज के रूप में पास्ड ऑन किए जा सकते हैं। उन्हें ये भी चिंता है कि डेटा शेयरिंग रिक्वायरमेंट्स यूजर प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। बिल के प्रति बिग टेक का ऑपोजिशन डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने की कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। हालांकि बिल के प्रोपोनेंट्स का तर्क है कि फेयर एंड कंपेटिटिव मार्केट सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है, बिग टेक कंपनीज को डर है कि ये इनोवेशन को स्टाइफल कर सकता है और डिजिटल सेक्टर के ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकता है। ये डिबेट डिजिटल एज में रेगुलेशन के लिए केयरफुल कंसिडरेशन और बैलेंस्ड अप्रोच की आवश्यकता को रेखांकित करता है।